Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, student. Welcome. Midterm assignment 1 and 2. This video is really important for you people. इसमें आपको rules and regulation बताए जाएंगे कि आपने assignment 1 और 2 किस तरीके से करनी है. Assignment 1 और 2 open book और open data assignment है. जो कि आपने next 24 hours में assignment 1 और next 24 hours में assignment 2 submit करवानी है. और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप इसको अंडरस्टैंड करें कि इस असाइनमेंट का पर्पस क्या है. बीएस बायोइनफॉर्मेटिक्स, बीएस जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के लिए असाइनमेंट 1 10% मार्क्स की होगी और इसके लिए एलोकेटेड टाइम नेक्स्ट 24 आवर्स होंगे, जो कि आज रात 12 बजे से शुरू होगी और कल रात 12 बजे तक आपकी ये असाइनमेंट रहेगी. ओके, फर्स्ट पोर्शन में प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे तमाम स्टूडेंट्स के लिए और ये डिफरेंट क्वेश्चन होंगे. एग्जांपल क्वेश्चन 1 2 3 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, तो हर एक बच्चे ने स्टूडेंट ने जो है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, पिक्चर लेनी है और उन पिक्चर्स को पीडीएफ में कन्वर्ट करके या डायरेक्टली जो है वो आपने गूगल क्लासरूम में अपलोड कर देना है. लाइक आपको कहा जाएगा कि आपने एक्सप्लेन करना है डिस्क्रिप्टिव या इन्फरल स्टैटिस्टिक्स को, या डिफरेंशिएट करना है प्रोपोर्शन को, रेट और रेशियो को, या क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा को, या पॉपुलेशन एंड सिंपल को आपने एक्सप्लेन करना है. हर एक स्टूडेंट का अपना डिफरेंट क्वेश्चन होगा जो कि आपने एक्सप्लेन करना है. सेकंड, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डेटा की. आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनानी होगी, फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन की क्रिएट करना है लाइक इन दिस एग्जाम्पल. बट इन क्लास 80 to 90 एंड 90 to 100 डेटा इज मिसिंग. यहाँ डेटा क्या है, मिसिंग है. तो आपने क्या करना है, यहाँ खुद से अज्यूम वैल्यू कोई भी 5 6 7 8 9 10 कोई भी वैल्यू 15 20 25 तो आपने यहाँ पुट करनी है और उसके बाद फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है. तो बी केयरफुल, आपने डेटा को जज करना है, वो मिसिंग वैल्यू आपने खुद लिखनी है. द पर्पज बिहाइंड दिस इज कि हर बंदे का अपना डिफरेंट डेटा सेट जनरेट हो जाए और आप चीटिंग ना कर सकें और आप सोच भी ना सकें कि आप किसी से हेल्प लेंगे तो आपको बेनिफिट होगा. तो 2% एट ए टाइम सेम वैल्यूज नहीं सोच सकते, तो बी केयरफुल इन दैट. तो आपने अपना खुद डेटा इसमें ऐड करना है और फिर बनाना भी है. अगर मैच केस मिलता है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू हैव 0 marks. ओके, माइट बी पॉसिबल आपको डिफरेंट कैटेगरीज दी जाए प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी, हायर लेवल के लिए. तो एक कैटेगरी मिसिंग हो सकती है या उसके नंबर मिसिंग हो सकते हैं, तो आपने वो वैल्यूज क्या करनी है, खुद डालनी है. अगर डेटा सेट कंप्लीट है तो नो इश्यू, आपने डायरेक्टली पाई चार्ट बना देना होगा उसके लिए, या कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो आपको कहेगी है वो आपने बनानी होगी. सेम इज इन द यू मे हैव मिसिंग क्लास 1994 1995 और 100 to 104, योर वैल्यू इज मिसिंग. तो आपने एंड रिमेम्बर दैट दिस टोटल डेटा आपने इसको मैच करना होगा. 100% का डेटा है तो आपका नंबर ऑफ पर्सन का सम जो है वो 100 आना चाहिए. तो इस तरीके से केयरफुली आपने अपनी असाइनमेंट को सॉल्व करना है. सेकंड इम्पॉर्टेंट, अगर आपको मीन, मीडियन, मॉड या कोई भी स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आपने देखना है कि ये सेंडिमेंटेशन रेट जो है वो 20% का कहा गया है या 30% का. तो अगर 20 का कहा गया है और इन दिस एग्जांपल दी 13 डेटा सेट इज गिवन, तो आपने 7 अपने खुद से ऐड करने हैं डेटा, लाइक 5 6 7 देन 9 11 कुछ भी डेटा 7 वैल्यू. और अगर 13 है तो आपने जो है 17 मजीद वैल्यूज ऐड करनी होगी. और अगर नंबर मिसिंग है, मेंशन नहीं है, तो जितनी ब्लैंक्स होंगी, डैशेज होंगी, इन दिस केस 5 हैं, तो आपने 5 डेटा वैल्यूज मोर ऐड करनी है और हर बंदे ने इंडिविजुअली. फिर आपने उसके क्वार्टाइल डेविएशन Q1 Q2 और Q3 ऐड करना होगा. तो बी केयरफुल, आपने क्वेश्चन को बड़ी केयरफुली देखना है और फिर उसके मुताबिक उसको सॉल्व करना है. और हर एक स्टूडेंट के लिए डिफरेंट क्वेश्चन होगा जो आके आप जो आपने गूगल क्लासरूम से डाउनलोड करना है. देन कम्स टूवर्ड मिडटर्म असाइनमेंट 2 और मिडटर्म असाइनमेंट 2 की वेटेज 15% है, क्योंकि आप यूज टू हो जाएंगे.
इसका स्टार्ट टाइम नेक्स्ट डे 12 AM होगा 21st को, और 22nd को 12 AM पे इसका एंड टाइम है. और रिमेम्बर वन थिंग, एग्जाम्पल क्वेश्चन में आपको बताया गया, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ अगर 20 इंडिविजुअल्स हैं, इनका सोडियम इनटेक है एग्जाम्पल क्वेश्चन में, तो जितनी वैल्यूज गिवन है और रिमेनिंग 20 से जितनी भी लेस होंगे वो डेटा आपने खुद डालना है. और लाइक सेम डेटा होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल 7.0 है तो आप 5.5 लिख सकते हैं, 4.5, 3.5, 11.5, तो इसी रेंज का डेटा होना चाहिए, इससे आउट रेंज का डेटा नहीं होना चाहिए. सेम इन द केस इन दिस एग्जाम्पल, तो आपने फिर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, हर एक स्टूडेंट के लिए डिफरेंट क्वेश्चन होगा, वो आपने सॉल्व करना होगा. इम्पॉर्टेंट थिंग, आपने जो असाइनमेंट 1 है 2 है ये गूगल क्लासरूम में ऐड करनी है, इनको अपलोड करना है सेपरेटली. बायोइनफॉर्मेटिक्स के स्टूडेंट बायोइनफॉर्मेटिक्स की क्लास में, जोलॉजी के स्टूडेंट जोलॉजी की क्लासरूम में, और माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट माइक्रोबायोलॉजी की क्लास में ऐड करेंगे इस अपने असाइनमेंट टास्क, मिड टर्म असाइनमेंट टास्क को. एंड आई रिपीट अगेन, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, हर एक स्टूडेंट की अपनी डिफरेंट असाइनमेंट होगी जो कि आपके आपने गूगल क्लासरूम से डाउनलोड करनी है, और फिर उसी तरीके से आपने सेपरेटली अपनी आईडी से गूगल क्लासरूम में अपलोड करनी है. थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़.